नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार मिशन से जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर रेड की गई है। ईडी को छापेमारी में करीब 8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि अधिकारी ओपी विश्वकर्मा के यहां से 8 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने 1 सितंबर को प्रदेश के जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में 15 से 20 जगह छापे मारे थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने पिछले दिनों ईडी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे और जल जीवन मिशन में करीब 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद विभाग ने शाहपुरा, कोटपुतली की कुछ ठेकेदार फार्मों पर भी कार्रवाई करते हुए ब्लैकलिस्ट किया गया था। एफआईआर दर्ज कराने के लिए किरोड़ीलाल मीना ने अशोकनगर थाने के बाहर धरना भी दिया था। सांसद किरोड़ीलाल मीना की शिकायत पर ईडी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर टेंडर हासिल करने वाली मैसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के मालिक पदम जैन के ठिकानों पर भी कार्रवाई की थी और कई फाइलें जब्त की थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि राजस्थान में 50 से ज्यादा अफसर ईडी की रडार पर हैं। ईडी की कार्रवाई पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, अब ऐसे में ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों को केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ईडी को लेकर कहा था कि चाहे ईडी आए या सीबीआई आए, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। आपको जानकारी दे दें कि जब कलाम कोचिंग संस्थान में ईडी पहुंची थी तो ऐसा कहा गया था कि संस्थान डोटासरा के बेटे का ही है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने इससे साफ इनकार किया था और ये कहा था कि उनका इस कोचिंग संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।